हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं परवल की मिठाई। ये बहुत अच्छा रेसिपी है, बहुत अच्छा लगता है खाने में। परवल की मिठाई बनाने के लिए हमें किन किन इंग्रेडिएंट की ज़रूरत पड़ेगी, हम देख लेते हैं। हमने लिया है 500 ग्राम परवल, 1 लीटर दूध लिया है हमने, और पाउडर लिया है दूध वाला, मिल्क पाउडर। हम अमूल वाला यूज करेंगे। ये हमने 2 पैकेट अमूल का मिल्क पाउडर लिया है। ये हमने 250 ग्राम चीनी लिया है। ये हमने कच्चा गड़ी को ग्रेट कर लिया है, और हमने 3 इलायची को पाउडर बना लिया है। चलिए परवल की मिठाई बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले हम परवल का ऊपर का छिलका हटा देंगे। पहले दोनों साइड से हम अच्छे से इसको काट लेते हैं। ये देखिए, हमने परवल का अच्छे से छिलका हटा लिया है, एकदम कहीं से भी कुछ नहीं है। हमको ऐसे ही छिलका पूरा हटा लेना है, थोड़ा सा भी नहीं रखना है। अब हम इसमें थोड़ा सा बीच में कट लगाएंगे, बस थोड़ा सा। ये देखिए, बस इतना ही। ऐसे ही सारे में हम ऐसे ही कट लगा देंगे। एक साइड से ही लगाना है, दोनों साइड से नहीं। ये देखिए, हमने सारा परवल में ऐसे ही कट लगा लिया है बीच में। अब हम इसे पानी में डालेंगे और इसे हाफ बॉईल करेंगे, मतलब थोड़ा सा बॉईल करेंगे, ज़्यादा बॉईल ना करें। इसे बॉईल होने में 5 से 7 मिनट लगेगा। इसे ज़्यादा बॉईल नहीं करना है, बस थोड़ा सा बॉईल करना है। परवल हमारा बॉयल हो रहा है, तब तक से हम इस दूध का क्या करना है हम आपको बता देते हैं। ये हमारा दूध 1 लीटर है, इसे हम बॉयल करके ठीक करेंगे। इसे एकदम पूरा ठीक करना है, यानी कि खोया बना लेना है इसका, एकदम मावा। ये आधा लीटर हो जाएगा, तब हम मिल्क पाउडर डालेंगे इसमें। दूध को हम बॉयल करेंगे। इसे एकदम थिक कर लेना है, जैसा मावा रहता है वैसा इसको बना लेना है। ये देखिए, हमारे परवल में बॉयल आ गया है। इसे और 2 मिनट तक पकाएंगे। हम ये प्रोसेस इसलिए करते हैं कि इसके अच्छे से बीज निकल जाए अंदर का। थोड़ा सा अभी और ये बॉयल होगा अभी। ये देखिए, 2 मिनट हो गया है, हमारा परवल अच्छे से बॉयल हो गया है। अब हम इसका आसानी से बीज निकाल सकते हैं। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने देते हैं। ये देखिए, हमारा दूध में बॉयल आ गया है। अब हम मीडियम फ्लेम कर देंगे और इसे थिक करेंगे और इसका मावा बनाएंगे। मीडियम फ्लेम ही रखें, ना लो करें ना हाई, और इसे बीच बीच में चलाते रहिएगा, नहीं तो हमारा दूध नीचे से पकड़ लेगा। परवल में जो गर्म पानी था हम हटा दिए हैं, और इसमें हम एकदम ठंडा पानी डालेंगे। ये प्रोसेस करने से हमारा परवल टूटता नहीं है, जैसा है वैसे ही रहता है। अब हम इसे 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। हमारा परवल थोड़ा ठंडा हो गया है। अब हम पानी में रख के ही एक एक का बीज निकालेंगे।
बिल्कुल ऐसे ही बीज निकाल लें। ये देखिए हमने अच्छे से एकदम बीज निकाल लिया है, थोड़ा सा भी इसमें बीज नहीं है। ऐसे ही हम सारा परवल का बीज निकाल लेंगे। ये देखिए हमने सारा का बीज निकाल लिया है। अब हम इसके लिए चाशनी बनाएंगे। एक बर्तन में हम 60 ml के कप से 2 कप पानी डालेंगे और इसी कप से 1 कप हम चीनी डालेंगे। ये 60 ml का कप है, इससे हम 1 कप चीनी डालेंगे। अब हम चीनी को मेल्ट होने देंगे, उसके बाद इसमें हम परवल डालेंगे। चीनी में बॉयल आ गया है और हमारा चीनी मेल्ट भी हो गया है। अब इसमें हम परवल डाल देते हैं। अब हम इसमें जब तक पकाएंगे जब तक हमारा पानी एकदम सोख के चाशनी नहीं बन जाता। इसे मीडियम फ्लेम पे 5 से 10 मिनट तक ऐसे ही पकाएं। हमारा दूध थोड़ा थोड़ा ठीक होने लगा है। ये देखिए दूध का क्वांटिटी भी कम हो गया है। बॉयल करेंगे इसे। दूध हमारा बॉयल हो रहा है। अब इसमें हम 30 ml के कप से 1/2 कप दूध लिए हैं, ये मिल्क पाउडर में मिलाएंगे। दूध हमारा ठंडा नहीं होना चाहिए, ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए। ऐसा करने से हमारा मिल्क पाउडर में कोई लम्स नहीं रहता है। ये देखिए हमने अच्छे से मिल्क पाउडर में दूध मिलाकर इसका पेस्ट बना लिया है। अब हम इसको दूध में डालेंगे। ये देखिए हमारा 5 मिनट हो गया है, दूध का क्वांटिटी बहुत कम हो गया है। अभी हम इसे और थोड़ा सा थिक करेंगे, तब मिल्क पाउडर मिलाएंगे। ये देखिए 5 मिनट हो गया है, हमारा परवल अच्छे से पानी सोख रहा है। और अभी इसे थोड़ा सा पकाना है, ऐसे ही थोड़ा सा और चाशनी हमारा गढ़ा होगा। ऐसे ही इसे 5 मिनट तक अभी और पकाएं। थोड़ा सा हम इसमें इलायची का पाउडर डाल देते हैं। पाँच मिनट हो गया है, ये देखिए हमारा एकदम पानी सूख गया है अच्छे से। इससे ज़्यादा इसे ना सुखाएं। अब बंद कर देते हैं हम गैस और इसे ठंडा होने देते हैं। 5 मिनट हो गया है, हमारा दूध थिक हो गया है। अब हम इसमें मिल्क पाउडर का पेस्ट डाल देते हैं। ये देखिए हमने मिल्क पाउडर का पेस्ट डाल दिया है। अब हम दूध को चलाते हुए थिक करेंगे और इसका मावा बनाएंगे। दूध को बिल्कुल छोड़े ना, नहीं तो दूध जल जाएगा, नीचे से पकड़ लेता है। ये गढ़ी जो ग्रेट किए थे कच्चा वाला, वो डाल देंगे इसमें। इलायची पाउडर डाल देंगे और इसे चलाते रहेंगे। ये देखिए हमको चलाते हुए 10 मिनट हो गया है। ये देखिए हमारा दूध एकदम थिक हो गया है और इसे 5 मिनट तक ऐसे ही मीडियम फ्लेम पे चलाते हुए थिक करेंगे और इसका मावा बनाएंगे। ये देखिए 5 मिनट हो गया है, हमारा मावा तैयार हो गया है बनके। अब इसमें हम चीनी डालेंगे। आप अपने अनुसार मीठा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसे चला लें अच्छे से। ये देखिए हमारा मावा बन के तैयार हो गया है एकदम। अब हम गैस बंद कर देंगे और इसे 5 से 10 मिनट तक रख देंगे ठंडा होने के लिए, कि ये अब अच्छे से जम जाए। ये देखिए हमारा परवल भी थोड़ा मोड़ा ठंडा हो गया है। अब हम इसे चाशनी में थोड़ा थोड़ा सा, इसमें चाशनी है, इसमें से हम
किसी बर्तन में निकाल लेते हैं। ये देखिए हमने एक प्लेट में निकाल लिया है, अब इसे भी 5 मिनट तक और अच्छे। देखिए हमारा दोनों चीज़ मावा भी ठंडा हो गया है और एकदम जम गया है देखिए, और हमारा परवल भी एकदम ठंडा हो गया है। अब हम इसमें मावा को भरेंगे, ये देखिए हमने एक को भर लिया है, अब हम दूसरा भी ऐसे ही करके भर लेंगे। ये देखिए हमने सारे परवल में अच्छे से मावा को भर लिया है। अब इस पे हम जो गड़ी रखे थे बुरादा गड़ी का ग्रेट करके वो रख देंगे इस पे ऊपर से। और मेरे पास चेरी है, हम चेरी को थोड़ा थोड़ा लगा देते हैं इसमें, अगर आपके पास ना हो तो ना लगाएं, ऑप्शनल है। ये देखिए हमारा परवल का मिठाई बन के रेडी हो गया है। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में, जितना अच्छा देखने में लग रहा है उससे कई गुना ज़्यादा खाने में लगेगा। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में, ये देखिए चारों तरफ से। हम इसे अब 3 से 4 घंटा के लिए फ्रिज में रख देंगे। ये थोड़ा ठंडा हो जाता है तो खाने में और अच्छा लगता है, इसलिए हम 3 से 4 घंटा तक फ्रिज में रख देंगे। ये देखिए 3 से 4 घंटा हो गया है, ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में एकदम। मैं आपको एक कट करके दिखा देती हूँ। ये देखिए कितना सॉफ्ट बना है एकदम। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरे परवल मिठाई की रेसिपी को। अगर हमारा रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिए।